आप कभी दौड़े हों तो एक बात ध्यान दिया होगा, कुछ देर दौड़ने के बाद आपके शरीर को आराम की जरूरत होती है, आप लगातार नहीं दौड़ सकते। आप ही के साथ नहीं, आपकी कार के साथ भी यही होता है, कुछ देर चलने के बाद आपको उसको रोकना ही होता है। कुछ भी चीज़ हो उसको ये ध्यान रखना होता है। प्रकृति को उस बात का पता था, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, उसने आपको आराम देने के लिए नींद नाम की एक चीज़ बना दी थी, ताकि आप अपने शरीर को रुककर आराम दे सकें। आज हमने इस ज़रूरी चीज़ का एक मजाक बना दिया है। हम लोग व्यस्त लोग हैं, हम कहते हैं कि मेरा तो एक एक मिनट कीमती है, मैं सोने में टाइम क्यों बिताऊं? लेकिन आप कितने व्यस्त होते हैं इसका आपको बहुत घमंड होगा, लेकिन आपके शरीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नहीं पसंद करता कि आप उसके साथ छेड़खानी करें। प्रकृति किसी तरह की छेड़खानी को बर्दाश्त नहीं करती, हम बहुत सी कीमतें इसकी वजह से चुकाते हैं। तो ये जो हम लोग करते हैं कि अपने समय को, नींद को कम करके काम करना चाहते हैं, मानकर चलिए कि ये जो आपने समय बचाया है ये आपको बाद में जाके तंग करेगा। बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें पाया गया कि बुढ़ापे में जो अल्जाइमर टाइप की डिजीज़ होती हैं, ये उन लोगों के साथ हुई जिन्होंने जवानी में अपने नींद के साथ छेड़खानी की। तो हमको पता होना चाहिए कि नींद कितनी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और वो किस समय होनी चाहिए। हमको इन तीनों बातों के बारे में सोचना है। क्वांटिटी के बारे में सीधा सा समय बता देता हूं, 6 घंटे की नींद जरूरी है। 6 घंटे हमको सोना ही पड़ेगा। एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो फिर साधुओं की तरह जो योगी वाली जिंदगी बिताते हैं वो कम में बिता सकते हैं, लेकिन आम आदमी को, गृहस्थ आदमी को 6 घंटे सोने की जरूरत पड़ती ही है। 7 घंटे आइडियल हैं, 8 घंटे लग्जरी है जो आप कभी कभी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 8 घंटे से ज्यादा सोने की जरूरत पड़ती है तो ये मान के चलिए कि आपके यहां, आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी पल रही है। हमारी अपनी गलतियां बाद में हमको बहुत बड़ा मूल्य देने पर मजबूर करेंगी। तो हमको इस टाइम जो स्पैन है इसके बीच में कहीं रहना है, 6 से 8 घंटे के बीच में रहना है। 6 घंटे की नींद हमको लेनी ही चाहिए, उसको हम छेड़खानी ना करें तो ही अच्छा है। और ये जो 8 घंटे से ज़्यादा नींद होती है वो तभी होती है जब या तो हम मोटापा ज़्यादा बढ़ा बैठते हैं तो फिर हमको नींद ज़्यादा आती है, या अगर हम खाना बहुत ऊट पटांग सा खाते हैं, गलत तरह का खाना खाते हैं तो भी फिर हमको नींद ज़्यादा आती है। भारी खाना हमेशा हमको ज़्यादा सोने पर मजबूर करेगा। और ये नहीं कि वो समय आपका सिर्फ सोने में बर्बाद हो गया, वो आपके अंदर अंदर तरह तरह का बीमारी का भी घर बनता चला जाएगा। तो इसको हमको ध्यान रखना है। अगर हम टाइम के बीच में भी रहते हैं, कई लोग तो इतना छेड़खानी ऊपर और नीचे की दोनों वैसे ही करते रहते हैं, लेकिन जो लोग 6 और 8 घंटे के बीच में भी रहते हैं, अगला सवाल जो हमको ध्यान रखना चाहिए वो है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। क्या हम गहरी नींद सो पाते हैं? लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कह पाएंगे कि हम गहरी नींद सो पाते हैं। हमारी सोते वक्त भी हमारा या सपने आते रहते हैं या बार बार आँख खुलती रहती है, ये सब भी साइंस हैं कि हम शरीर को ठीक नहीं चला रहे हैं। अगर आप भी पाते हैं कि आपकी नींद बार बार उजड़ती है या बार बार सपने आते हैं, तो आपको 2-3 बातें पहले से ही ठीक करनी शुरू करनी चाहिए। पहली बात यह है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी। जो कंपाउंड, जो केमिकल्स आपके शरीर को सोने पर मजबूर करते हैं, वो आपके शरीर में कम हो जाएंगे और आप, या तो नींद आएगी ही नहीं, और आएगी भी तो गहरी नहीं आएगी। उसको REM कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट चलता है। आंखें बंद है लेकिन आपकी आंखों में रैपिड आई मूवमेंट होता रहता है। इसी वजह से अगर आप क्या पाएंगे कि ऑफिशियली 8 घंटे सोने के बाद भी जब आप उठेंगे तो आपको शरीर थका थका महसूस होगा, फ्रेशनेस नहीं आएगी। तो एक तो आप फिजिकल एक्टिविटी को अपने जीवन का अंग बनाएं अगर आपको गहरी नींद चाहिए तो। दूसरी बात, कुछ और हमको प्रिकॉशंस के साथ में लेनी पड़ती हैं। पहली बात यह है कि आपका जो खाना है
वो आपके सोने के टाइम से कम 2 घंटे पहले पूरा हो चुका होना चाहिए। मान लीजिए आप 11 बजे सोना चाहते हैं तो आपको 9 बजे तक अपना खाना पूरा जरूर कर लेना होगा, नहीं तो फिर आपको सोने में परेशानी आएगी। खाने से भी ज़्यादा जो चीज़ आजकल हमको तंग कर रही है वो है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे इक्विपमेंट हैं, उसकी वजह से हमारी नींद में बहुत खराबी आती है। हम लोग सोने से आधा घंटा पहले भी अपना लैपटॉप या फ़ोन चलाना चाहते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें लाइट एमिटिंग स्क्रीन होती है, उससे लाइट बाहर आती है और बहुत तेज़ लाइट आती है। हमारे दिमाग जो है वो इस लाइट के लिए नहीं बना होता, उसको दिमाग को ये लगता है कि अभी सोने का टाइम नहीं हुआ, ये दिन का टाइम है। तो अगर आप भी पाते हैं कि आपको नींद में कमी आ रही है, ठीक से नींद नहीं आती है या टाइम पे नींद नहीं आती है, तो आप अपनी स्क्रीन को भी किसी भी तरह से 2 घंटे पहले बंद कर दें। मान लीजिए आप 11 बजे सोना चाहते हैं तो 9 बजे के बाद आपको अपने लैपटॉप पे या फ़ोन पे भी काम करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप इसको लास्ट मिनट तक चलाएंगे तो आपको नींद ठीक से नहीं आएगी। एक और बात जिसका हमको ध्यान रखना है वो ये है कि जो सोने की जगह होती है वो सोने की ही जगह होती है। अगर आप अपना काम भी अपने बेड पे पड़े पड़े करेंगे तो आपको ब्रेन को आप ये मैसेज नहीं पहुंचाएंगे कि ये जगह सोने के लिए बनी है। तो आप जो वर्क प्लेस है उसको अपने स्लीपिंग प्लेस से अलग करें। अब आप चेयर पे बैठते हैं या कुछ भी करें वो आपने देखना है, लेकिन बेडरूम जो है वो सोने के लिए बना है, उसमें अपने काम को साथ लेके मत आइए। जैसे आप अपने ऑफिस में सो नहीं सकते हैं, इसी तरह आप जहाँ पे सोते हैं उसको अपना ऑफिस मत बनाइए। उससे दोनों को अलग अलग अगर आप रखेंगे तो उसमें आपको आराम मिलेगा। एक सही नींद ना आने का एक कारण और होता है कि हम पानी बहुत कम पीते हैं। तो आप अपने आप को अच्छी तरह से हाइड्रेट करके रखें तो आपको अच्छे से सोने में मदद मिलेगी। और साथ में अगर आप जब सोने लगे हैं तो थोड़ी सी मेडिटेशन करें या डीप ब्रीदिंग करें तो उसमें भी आपको सोने में मदद मिलेगी। हमें कितना सोना है और कैसी नींद लेनी है, यानी गहरी नींद लेनी है, ये तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन हमको ये भी सोचना है, पता होना चाहिए कि कितने बजे सोना है, किस वक्त पे सोना है। देखिए, जब से इंसान पृथ्वी पर आया है हमारा सोने का टाइम था, जैसे ही सूरज छिपा हम सोने चले जाते थे। फिर क्या हुआ, हमने बिजली की इन्वेंशन कर ली, अब हमारी रात भी दिन बन गई। सोने का टाइम जो 7 या 8 बजे का होता था हम उसको आगे बढ़ा के 9, 10, 11, 12 बजे तक लेते चले गए, लेकिन तब भी आधी रात तक जागना बहुत बड़ी घटना होती थी। कहा जाता था बर्निंग मिडनाइट ऑयल, बच्चे जब पढ़ते होते थे एग्जाम्स के दिनों में आधी रात तक जागते थे। लेकिन आज क्या हो गया है कि 2-2 बजे तक जागना एक फैशन बन गया है, लेकिन शरीर इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं करता। उसके लिए आप अपने नींद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लेट का सोना हमारी बहुत सी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि आम आदमी ये सोचता है कि जब तक मैं 7 घंटे की या 8 घंटे की नींद ले रहा हूँ सब कुछ चलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखिए, एक आदमी है जो रात को 10 बजे सो जाता है, सुबह 5 बजे तक सोता रहता है। दूसरा आदमी 12 बजे सोता है और वही 8 घंटे लगा के 8 बजे तक सोता रहता है, और तीसरा 2 बजे तक जागता है, फिर सोता है और 10 बजे तक सोता रहता है। तो उसको यही लगता है कि हमने तो बराबर नींद ले ली है, लेकिन असलियत ये नहीं होती है। ये जो आप 2 बजे सोए हैं, चाहे आप 8 घंटे छोड़ 10 घंटे भी सो लेंगे, ये आप अपनी बॉडी को उतना रिफ्रेश नहीं कर सकते जितना जल्दी सो के हो जाएगा। तो कभी भी इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम लेट सो के भी अपना काम चला सकते हैं। इसका हमको बुढ़ापे में जाके कष्ट भोगना पड़ता है, और तब फिर हम कहते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या बदकिस्मती हुई है, कि पहले तो हम बहुत हेल्दी होते थे, पता नहीं जब से बुढ़ापा आया है सब बर्बाद हो गया। बुढ़ापे ने नहीं किया, आपने जवानी में अपने आप को बीमार करने की कोशिशें की। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 8 बजे पढ़ के सो जाएं जैसे आज से 100 साल पहले लोग पढ़ते थे, लेकिन फिर भी आपको एक डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी। जो आप अपने साथ बुरे से बुरा कर सकते हैं वो ये है कि मिडनाइट को तो आपको बिल्कुल ही अल्टीमेट मानना पड़ेगा,
किसी भी हालत में आधी रात के बाद जागकर आप काम नहीं चला सकते। कोशिश करें 11 साढ़े 11 के बीच में सो जाने की और जल्दी उठने की। खासतौर पे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके दिमाग में बहुत ये रहता है कि देर रात तक पढ़ेंगे, लग भी जाती है, लंबी सिटिंग लगती है, लेकिन उनको एक बात पता नहीं होती कि ये जब आप आधी रात के बाद, इनफैक्ट 11 बजे के बाद जो आप जाग के पढ़ते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाती है, वो दिमाग में रजिस्टर नहीं करता। बहुत अच्छा रहेगा अगर वो 9-10 बजे पढ़ के सो जाएं, सुबह जल्दी उठ के 4-5 बजे अगर वो पढ़ाई करते हैं तो वो दिमाग में रजिस्टर होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बच्चे जो पढ़ाई किए हुए होते हैं, एग्ज़ाम डे तक तो शायद फिर भी याद आ भी जाए, लेकिन उम्र पाने के बाद वो सब उड़ चुका होता है। मैं सबसे मजाक करता हूँ कि हम लोग चाहे ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आज आपको आपकी मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए तो शायद आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं गया, आप उसको याद नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग इस तरह पढ़ते हैं। वैसे तो कुछ भी याद नहीं होता, वो तो बस ऐसे है कि गन भरी और अगले दिन एग्जामिनेशन हॉल में आपने खाली कर दिया, वहाँ तक ही याद रहता है, तो उसका हम बेनिफिट नहीं ले पाते। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उन लोगों को जो शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं। तो उसमें हमारे साथ क्या होता है कि हमारी जो सर्केडियन रिदम है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। वो जिस टाइम सोना चाहती है उस टाइम आप जागते हैं, जब आपका शरीर जागना चाहता है तब आप सोते हैं, तो उस वक्त कुछ नहीं होगा, उम्र पाके आपको ये तंग करेगा। मजबूरी होती है काम करने के लिए, कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं कि आपको जागना ही पड़ता है, लेकिन कोशिश करिए कि ये सब काम अपनी जवानी की दिनों में भले कर लें। मान लीजिए आपने 22 साल से लेके 30 साल की उम्र में ऐसी नौकरियां की, लेकिन जैसे ही आप 30 या 35 की उम्र में पहुंचते हैं तो फिर उससे निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको लंबी उम्र तक चलाएंगे, यानी 40 साल का आदमी अगर लेट नाइट ड्यूटीज़ करता है, तो उसको कई गुना ज़्यादा उस आदमी से नुकसान होगा जो कि 20 या 25 साल का है। तो उसमें से हमको बाहर निकलना होगा। प्रकृति को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, उसके साथ फर्क पड़ता है। कुछ लोग आप में से जो विदेश यात्रा करते हैं, आपने पाया ही होगा कि जेट लैग हो जाता है, टाइम डिफरेंस में आपका यहाँ पर दिन होता है लेकिन आपका माइंड कहता है रात हो रही है, दिन की रात हो जाते हैं, रात के दिन हो जाते हैं। लेकिन जो शिफ्ट वर्कर्स भी होते हैं उनके मन के साथ भी अंदर यही असर पड़ना शुरू हो जाता है। जो आपकी फ़्लाइट्स हैं वो तो कितना लेता है आदमी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता है, साल में एक बार ये परेशानी आती है, दो बार परेशानी आती है, लेकिन अगर आप शिफ्ट वर्कर हैं तो आपकी बॉडी वर्चुअली हमेशा जेट लैग में रहेगी, आपके शरीर में बीमारियाँ लगेंगी और आपके स्वभाव में बहुत तरह का चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ये नींद की कमी से भी होगा, गलत टाइम पे सोने से भी होगा और गलत ढंग से भी सोने से होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इस छोटी सी हैबिट से भी अपने शरीर को बहुत तरह से ठीक कर सकते हैं। तो मानकर चलें कि जब भी आप सो रहे हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को रिजुवेनेट कर रही है, रिप्लेनिश कर रही है, और आप उसको जागकर नहीं कर सकते। भगवान ने जो आपके साथ बनाया है उसका पूरा लाभ उठाइए। 24 घंटे का दिन होता है, उसमें से 8 घंटे आपको नींद के लिए रख देने चाहिए, 8 घंटे का टाइम आपको अपने प्रोफेशन के लिए दे देना चाहिए, बाकी का 8 घंटे आपके अपने शरीर का ध्यान रखने का और अपने परिवार के लिए देना ज़रूरी है। ये जब हम बैलेंस बना के रखते हैं तो चलता है। हम क्या करते हैं कि कटौती करते जाते हैं नींद के टाइम पे भी और अपने परिवार के टाइम पे भी, उस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा अच्छा लगता है बताने में कि अरे साहब हम तो ना घर की चिंता करते हैं ना कुछ करते हैं, रात को हम 2-2 बजे तक काम करते हैं और खाने के टेबल पे भी हम काम करते हैं। लेकिन जब आप उम्र पाते हैं तो फिर उसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इन छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखें। नमस्कार।